वहीं पूर्व संघ प्रचारक और समाजसेवी चेतन भार्गव समेत अनेक साथियों पर गुना जिले के आरोन में दर्ज हुई एफआईआर का जमकर विरोध हो रहा है। चेतन भार्गव के समर्थक जगह जगह ज्ञापन सौंपकर एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। बैरसिया के समर्थकों ने भी समाजसेवी चेतन भार्गव के समर्थन में सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेतन भार्गव और उनके साथियों पर लगाए गए सभी आरोपों को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि चेतन भार्गव अपने अन्य साथियों के साथ लॉकडाउन में मास्क बांट रहे थे और कोरोना से बचाव हेतु लोगों को समझाइश दे रहे थे। उनके इस नेक काम के बदले में एसडीएम आरोन के निर्देशन पर आरोन के थाना प्रभारी ने षड्यंत्र पूर्वक चेतन भार्गव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। पुराने समय से देखा है कि चेतन जी भार्गव पे षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर कराई गई है, उन पे लांछन लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया है। जबकि चेतन जी एक समाज सेवी है, 19 वर्षों से प्रचारक रहे हैं, वो पूरी तरह समाज सेवी है, समाज के लिए काम करते हैं। उसी समय के अंतर्गत हमने देखा है कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस जो कि सबसे आगे है, उन्होंने भी ऐसे प्रदर्शन किए, कहीं तलवार जाके चलाई, कहीं लटबाजी करिए, हजारों की संख्या में उन्होंने कार्यक्रम किए जो कि राजनीतिक थे, उन पर किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं की गई है। चेतन जी भार्गव समाज सेवा का काम करते हैं, उनकी द्वेष भावना से सिर्फ उन पर एफआईआर की गई है और आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि उनकी उनकी एफआईआर वापस नहीं लेते हैं तो हम बैरसिया क्षेत्र में, भोपाल क्षेत्र में सभी जगह जाकर ज्ञापन देंगे और ज्ञापन से काम नहीं चलेगा तो हड़ताल करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। गुना में